हेलो बेटा, आज हम रीडिंग लेने वाले हैं क्लास थर्ड की जो कोर्स बुक है लेवेंडर, उसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। और ये एक पोम है। पोम मीन्स कविता, पोएम नहीं होता, पोम होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट्स रीड, आओ हम पढ़ें। लेट्स मतलब लेट अस, आओ हम रीड पढ़ें। एंड फाइंड आउट, और पता लगाएं। व्हाट द मॉर्निंग रश, सुबह की जो जल्दबाजी होती है, इज़ ऑल अबाउट, किस बारे में है। पोम है तो थोड़ा गा के पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप भी और मैं भी। इन टू द बाथरूम, टर्न ऑन द टैप, वॉश अवे द स्लीपीनेस, स्प्लिस स्प्लॉस स्प्लैश। इन टू, इन टू मीन्स में, बाथरूम, बाथरूम में, टर्न ऑन द टैप, टैप को घुमाकर खोलो, वॉश अवे द स्लीपीनेस, जो आपको नींद जैसा महसूस हो रहा है उसको धोकर भगा दो। कैसे धो के भगाओगे? स्प्लिस प्लस स्प्लैश, इनका मतलब है छींटे मारकर। कहाँ मारते हो आप छींटे? मुंह पर। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन टू द बेडरूम, पुल ऑन योर वेस्ट, क्विकली क्विकली गेट योर सेल्फ ड्रेस्ड, यानी कि बाथरूम में वो नहा के आया है, ठीक है। इन टू द बेडरूम, बेडरूम में, पुल ऑन योर वेस्ट, वेस्ट क्या होती है? बनियान होती है, कि जल्दी से अपनी बनियान निकालो। क्विकली क्विकली, जल्दी से गेट योर सेल्फ ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड होता है तैयार होना, गेट ड्रेस्ड क्या होता है? तैयार होना, तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ। डाउन टू द किचन, नो टाइम टू लूज, गोबल अप योर ब्रेकफास्ट, पुट ऑन योर शूज। डाउन टू द किचन, किचन में, नो टाइम टू लूज, टाइम वेस्ट मत करो, गोबल अप योर ब्रेकफास्ट, जल्दी से अपना सुबह का नाश्ता जल्दी जल्दी खा के निकल लो। पुट ऑन मीन्स पहनना, पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, बैक टू द बाथरूम, स्क्वीज आउट द पेस्ट, ब्रश 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 योर टीथ, नो टाइम टू वेस्ट। बैक टू द बाथरूम, वापस बाथरूम में जाओ, स्क्वीज आउट होता है दबा कर निकालो टूथपेस्ट, ब्रश 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 योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करो, नो टाइम टू वेस्ट, और वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है, नो मीन्स नहीं। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, एक वेस्ट होता है समय बर्बाद करना, है ना, टाइम, टाइम वेस्ट, टाइम यानी कि समय, और वेस्ट मतलब बर्बाद करना, तो यहाँ पे तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, बर्बाद करना। और एक होता है डब्ल्यू ए आई एस टी, वेस्ट, इसका मतलब है कमर, ठीक है। आगे देखिए, लुक इन द मिरर, कॉम योर हेयर, हरिस करी डाउन द स्टेयर्स। लुक इन द मिरर, शीशे में देखो, कॉम योर हेयर, अपने बाल कॉम करो, कंघी करो। अब यहाँ क्या है पॉइंट नोट करने के लिए, जब भी एम के बाद बी आए तो वो साइलेंट होता है, ये कॉम्ब नहीं है, इट इज कॉम, कॉम। हरी, हरी मीन्स जल्दी करो, स्करी छोटे छोटे कदम बढ़ा के जल्दी चलो, हरी जल्दी करो, स्करी छोटे छोटे कदम बढ़ा के जल्दी चलो। कहाँ चलो? डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। पिक योर स्कूल बैग अप ऑफ द फ्लोर, ग्रैब योर कोट एंड आउट थ्रू द डोर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पिक योर स्कूल बैग, अपना, पिक मीन्स उठाओ, अपना स्कूल बैग उठाओ, अप ऑफ द फ्लोर, कहाँ से? फर्श से उठाओ। ग्रैब योर कॉट, ग्रैब मीन्स जल्दी से कोई चीज़ को लेना, जल्दी से अपना कोट लो, एक तरह से ग्रैब, वैसे तो जैसे जल्दी से किसी चीज़ को लेना, यही लगाओ यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। तो ग्रैब योर कोट, जल्दी से अपना कोट लो, एंड आउट थ्रू द डोर, और थ्रू मीन्स से, और दरवाजे से बाहर निकल जाओ। किसने लिखा इसे? जॉन फॉस्टर ने लिखा। ओके, इसके पोएट कौन है? जॉन फॉस्टर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, यूज़फुल रहा है तो एक लाइक बनता है। थैंक यू।